100 RP सिस्टम में पाड़ दिया छोटे भाई ने तो चुना तो बड़ा आसान होता है लेकिन की कहानी में तो बुरे हैं। भाई लोग कैसे हो यार, मैं आ गया एक और खतरनाक से वीडियो लेकर। और भाई ये वाला जो वीडियो है इसमें आपको 2 से 3 क्लच वगैरह देखने को मिलने वाला, साथ ही साथ इंट्रो देख के तो आपको आइडिया लग ही गया होगा तुम्हारा भाई कहाँ कहाँ फंसने वाला है। मतलब भाई कुछ जगह तो ऐसे जगह फंसूंगा जहाँ बचने का कोई चांस ही नहीं था, तो देखते जाओ ईयरफोन वगैरह लगा लेना। बाकी तो गेम प्ले आगे जाकर सोलो वी स्क्वाड होने वाला है और क्लच पे क्लच होने वाले हैं, तो फुल मजा आएगा। खैर उतरते पहले गन के लिए भटकते हैं। अब यहां तुम्हारे भाई को मिल जाता है DBS और देखते जाओ। अब आपने देखा होगा मैं DBS चलाता नहीं, पर आज काफी दिन बाद चला रहा था और भाई साहब देखना क्या ही गोली चिपकने वाली है बंदों को। खैर जैसे इधर आया एक बंदे के ऊपर से साउंड आई, अब ये बंदा भाई पता नहीं कौन से नशे में था, मस्त लूट रहा था, नॉक फिनिश करते उसके बाद नीचे जाती साउंड, तो फटाक से कूदता हूं और देखो अब सामने ही बंदा टीपी ले रहा था, तो एक मौली करता हूं। भाई यहां तो मुझे लगा भाई DBS धोखा दे देगा, लेकिन नॉक फिनिश करते दोनों को, पर अभी भी यहां काफी सारे बंदे बैठे हुए थे जैसा आप मैप में देख ही सकते हो कितने बंदे हैं। तो गाइस क्या BGMI टूर्नामेंट खेल के रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो? ए भाई बताना बताना भाई 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 मेरा भाई। तो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग जो कि 100% ट्रस्टेड है और इसके 35 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 10 करोड़ की विनिंग्स बांट चुके हैं। तो ये ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं, स्पेशली वीकली मेगा जिसमें 50,000 से ज्यादा प्राइज पूल होता है। और इस ऐप में कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, बस अपना क्लासिक रैंक्ड खेलो जैसे रोज खेलते हो, सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल्स को डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। तो यहाँ से रोज BGMI खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटेड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में बेस्ट है, तो सो स्ट्रॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, तो वहाँ से जाओ डाउनलोड करो और अभी जीतना शुरू करो। पाएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और मजे की बात तो यह है कि आप जो भी पैसे जीतोगे वो आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या फिर कोई और UPI ऐप के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हो। पोगेम्बो, खुश हुआ। तो देर किस बात की है, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 5 लाख डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, अभी जाके डाउनलोड करो। ये वाले इवेंट पे अगर बंदा सीढ़ी के पास टीपी भी ले रहा है तो भाई रस मत करना, क्योंकि बहुत ही आराम से आपको मार देगा। तो ऐसे टाइम पे यहां से नेड कर सकते हो आप। इसको जैसे फिनिश किया इसका टीममेट नीचे था और उसके साथ देखो क्या होने वाला है। भैया जी यहाँ बड़े आराम से ऊपर आ रहे थे, खत्म करते हैं उसके बाद। यहाँ पे 3 बंदे और दिखा रहे थे पर कोई मिलता नहीं, बल्कि एक बंदा बस मिलता है जिसकी साउंड ऊपर से आती है, पर जैसे ही ऊपर आया नीचे कूद के बंदा कर रहा था हेल्थ, फिनिश करते हैं और इसी बंदे के साथ इवेंट हो चुका था क्लियर। तो अब लूट वगैरह करके सीधा यहां से। रोबोट को लॉन्च करके निकल लेते हैं। अब सीधा था अपार्टमेंट्स में और भाई यहां गाड़ी भी खड़ी थी और ड्रॉप भी गिरा था, तो मुझे लगा बंदे होंगे मेन वाले अपार्टमेंट, पर ऐसा नहीं था, बंदे आगे वाले अपार्टमेंट थे। तो चलते हैं रस करने। जैसे ही सामने से फायर होता है मैं समझ गया बंदे ड्रॉप लूट रहे हैं और देखते जाओ इनके साथ क्या होने वाला है। अब
तीसरा वाला बंदा यहाँ सामने डेड वाले गाड़ी के पीछे था। अब लास्ट वाले बंदे के पास यहाँ सेल्फ रिवाइव था, लेकिन भाई मैं मार देता हूँ क्योंकि यार ओपन में नॉक है बंदा, तो किल चोरी होने के पूरे चांसेस थे। खैर फिनिश करने के बाद रोबोट लेके निकल ही रहा था कि भाई साहब सामने कुछ बंदे दिखाई दिए जेटपैक वगैरह यूज करते हुए, और ये देखो अब बंदे को यहाँ पकड़ तो लिया था, पर बंदा छुड़ा के भाग जाता है, तो अब दौड़ा के मारते हैं। जैसे ही सोले बंदे को नॉक फिनिश किया, इसका बंदा शक्तिमान की तरह उड़ के आता है बचाने के लिए। उसके बाद भैया जी भाग के चले जाते हैं मेन वाले अपार्ट में, तो मैं भी यहाँ चल देता हूँ रस करने के लिए, और यहाँ देखना तुम्हारे भाई के साथ कितना गंदा स्कैम होने वाला है। जैसे उड़ के इस वाले अपार्टमेंट में आता हूँ भाई साहब पूरी स्क्वाड होती है, और अभी जो होगा ना भाई मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा यह चीज। अब जानबूझ के एक रैंडम नेड करता हूँ कि अगर कोई बंदा टीपीपी ले रहा हो तो मेरे को मारना जैसे साइड से आके। उसके बाद अब बंदे सारे रूम में थे, लंड ले ले मेरा भाई, कतई हरामी बंदा यहाँ गेट ही बंद कर देता है और मैं नेट से ही फट जाता हूँ। टीममेट ने मौली किया तो उसको क्या पता कि भाई मैं नेट से ही फटने वाला हूँ, और वैसे मैंने टीममेट को बहुत बार मारा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई, इसने भी मार दिया आज गलती से ही, खैर अच्छा ही हुआ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको भी पता चलेगा जब मैं अपार्टमेंट में जाऊँगा। अब जैसे ही मैं इन अपार्ट में लैंड करता हूँ, एक बंदा मेरे को राइट में दिखाई देता है रोबोट यूज करता हुआ, और एक बंदा लेफ्ट वाले अपार्ट में दिखाई देता है छत के ऊपर। अब मैं सोच रहा था भाई एक गन मिल जाए, क्योंकि अगर पूरी स्क्वाड रश करेगी तो भाई दो गन तो होना ही चाहिए स्विच करके मारने के लिए। अब ये स्क्वाड देख लेते कि भाई यहाँ एक ही बंदा है, तो भाई रोबोट वगैरह लेके और उड़ के मतलब हर तरफ से बंदे लगते हैं रश करने, और देखते जाओ अब क्या होने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ बूस्ट करता हूँ, और एक बंदा मेरे छत के ऊपर आ चुका था। जैसे ही सस्ते शक्तिमान को यहाँ नॉक करता, दूसरा बंदा नीचे से आता है। बंदे को नॉक करते ही यहाँ मैंने देख लिया था कि बंदे के पास सेल्फ रिवाइव है। फटाक से ऊपर आके पहले फिनिश करता हूं। फाइनली इस लास्ट बंदे के साथ पूरी स्क्वाड करते हैं खत्म। अगर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो एक लाइक कर देना, और जो बंदे भी चैनल भूलते भटकते आ गए हो भाई सब्सक्राइब भी कर लो। जोन काफी दूर था तो भाई फटाफट से लूट करके निकल लेते हैं। अब जोन के अंदर आते आते भाई यहाँ पे 14 बंदे बचे हुए थे, जिसमें से कुछ बंदे सामने थे, इस पीछे भी है। पर जैसे ही यहाँ राइट साइड से फायर होता है, मैं सोचा पहले पीछे वाले बंदों को खत्म करते हैं, उसके बाद इनको देखेंगे, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। देखो क्या होता है। अब ये रोबोट का भाई फ्यूल हो जाता है खत्म, और इतनी गलत जगह खत्म होता है जहां पे 2-3 स्क्वाड होती है, एक स्क्वाड सामने, एक स्क्वाड राइट में, और एक स्क्वाड मेरे पीछे, जो मैंने बताया कि फायर हो रहा था शुरू में। खैर सबसे पहले यहां से निकलता हूं।
अब इसका एक ही दिक्कत है कि भाई ऐसे उड़ता है ना कि कोई नूब बंदा भी स्प्रे मारेगा तो आपको नॉक कर देगा, लेकिन सही टाइम पे कवर में आ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आ गया है गिल्ली पापा को देखो छत के ऊपर चढ़ रहे थे, और इनके साथ देखना भी क्या होता है। जैसे इस बंदे को नॉक करके फिनिश किया, मुझे इतना पता था ये बंदा अगर छत के ऊपर चढ़ा है तो कोई ना कोई आगे होगा, और वैसा ही होता है। सामने ट्रिपल स्टोरी में एक बंदा दिखाई दिया, जो कि रोड उस पर एक बंदे पे कर रहा था नेड, और बंदा यहाँ छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। पर उस बंदे को मार के सीधा मैं आगे आ जाता हूँ, पर एक चीज का डर था कि वो जो बंदा पीछे छत के ऊपर चढ़ा हुआ था वो मेरे को पीछे से ना मार दे। अब ये दो बंदे तो भाई जोन के अंदर भागने के चक्कर में मर जाते हैं। फिर जैसे ही मैं इधर आता हूँ, सामने ब्लू वाले घर में से साउंड आई, पर जैसे ही घर के अंदर आया पता चला कि बंदा छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। मुझे तो लगा था कि बंदा इस नेट से फट जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि बंदा नीचे कूद जाता है। अब मैं तो सोचा भाई एक ही बंदा है जो कि नीचे कूद गया तो मैं जा रहा था, पर भाई एक और बंदा बैठा हुआ है ऊपर। तो जैसे ही ये बंदा नॉक होता है, अब इसके टीममेट की बारी थी जो कि इसके बगल वाले घर में था, तो एक मोली करते हैं। जैसे ही ये बंदा खत्म होता है, अब यहां सिर्फ दो बंदे और बचे हुए थे, जिसमें से एक बंदा था वो पीछे वाला जो मैंने बताया था आपको कि पीछे से मार सकता है, वो आ जाता है। इस बंदे को मारने के बाद अब बचा था यहाँ सिर्फ एक बंदा, जिसकी वजह से मेरे को घंटा नहीं पता थी, ना बंदे ने फायर किया ना कुछ, मस्त कैंप करके बैठा हुआ है। और जोन बन गया था उसी के साइड, क्योंकि इतना मुझे पता था कि बंदा रोड उस पार ही है, इधर वाले को तो मैंने मार ही दिया। जैसे इस घर में आया मैं अपने फुस्टे पाता है, कैंपिंग देख रहे हो भैया जी की, खतरनाक टीपी भी लेके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मैं इधर उधर करूं और पेटी बना दें। फाइनली इस लास्ट बंदे के साथ ये मैच होता यहीं खत्म। तो अगर मजा आया हो थोड़ा सा भी वीडियो में कहीं पे भी, तो एक लाइक कर देना, नए बंदे सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब बात करते हैं इस रैंडम गेम प्ले की, तो इस रैंडम मैच में एक ऐसी टीम ज्वाइन करता हूँ जो कि भाई साहब रिएक्शन तो देगी, साथ में किल के लिए खेल रहे थे, और आगे जाके तो आपस में झगड़ा कर लेंगे ये लोग कि भाई मैंने कितना किल चुराया, तूने मेरा चुराया, ऐसे करके देखते जाना। भाई नूब ने भाई खेलेगा? हाँ भैया। चार नंबर सिस्टम में पाड़ दिया छोटे भाई ने, तो गेटू मना कर रहा है, गेटू को नहीं आ रही अंदर होल में। अरे की दो रे कूद गए, ऊपर कूद गए तुम। एक मिनट भाई मार दोगे इसको, किल ले लो बस, मैं पिट जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं, मेरे को बचा भी लो। कहां से भी लगा मेरे को,
भाई वहां सामने से गोली गोली सामने देखना वन भाई बिल्कुल हेलीकॉप्टर के सामने अमने यहां भी आ जाओ कोई हम नीचे जाके भाई किल फिनिश करता हूं फिर आता हूं फटाक से ऊपर क्योंकि मेरे टीममेट्स यहां फाइट वगैरह कर रहे थे और मैं नहीं चाहता कि इनकी पेटी बन जाए और रैंडम का फिनिश ले ले भाई इतने में गेम प्ले खराब हो गया कोई बैन रुक जाता भाई का नंबर बढ़िया भाई इसको मार बैन के लड़को बहुत बढ़िया कि जो में थार पे कितने बंदे थार पे 9 बंदे हैं यहां से चलिए 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 हेल्थी नहीं है ड्रिंक दे दे ड्रिंक को ड्रिंक भी दे दे बॉडी ड्रिंक ले उठा ले फटाक से नीचे आके इस बंदे को तो फिनिश कर देता हूं पर एक किल मेरा यहां चुरा लेते हैं भाई वो बंदे लेकिन इसी बंदे के साथ इवेंट हो जाता है क्लियर तो अब लूट करके सीधा यहां से निकलते हैं ये बंदा आ गया थोड़ा अब ये रोबोट लेके यहां मेरा टीममेट निकला था पर भाई आगे जाके मैं उठा लेता हूं और अब इसका फायदा देखना कितना खतरनाक उठाने वाला है तुम्हारा भाई चल ना आ रहे हैं जल्दी वेट कर दे मैं ड्राइव करो और बंदे कहां हैं चार नंबर वो तो मजे लेके मार रहे बच्चों के अब यहां एक पूरी स्क्वाड को भाई इसी से खत्म कर देते हैं उसके बाद मेरे टीममेट्स आते हैं फटाफट से कि चलो लूट वगैरह करेंगे और मैं थोड़े मजे लेने वाला हूं अब यहां से मैं निकलने वाला था कि भाई पता नहीं कहां से बाना उस पे सामने कुछ और बंदे आ जाते हैं नो नो बंदे के पास था डीबीएस इसलिए मैं आगे जा नहीं रहा था पर टीममेट ने मौली कर दिया इसलिए बंदा मर जाता है वरना तो भाई सीढ़ी पे बंदा बैठा था छी तो ही कर दिया मौली ऐसे करते यार तेरा डीबीएस चिपकाता ना तो पूरा नॉक फिनिश ही करता खैर उसके बाद बहुत बंदे ढूंढते हैं और भाई फाइनली यहां पे एक रिज के साइड से रोबोट आता हुआ दिखाई देता है और देखो अब क्या होता है भाई
भाई कसम से अगर ओपन में फंस जाए तो अगर बड़ा रोबोट बंदा लेके आ रहा है ब्रिज पे तभी कोई M24 मरन लग रहा है तो बहुत ही कम चांस है कि आप सरवाइव कर पाओगे ऐसे यहाँ टीममेट्स कवर फायर देते हैं इसलिए बच जाता हूँ मैं अब इस बंदे को नॉक तो कर देता हूँ पर बंदे के पास सेल्फ रिवाइव था मैं समझ गया ये बंदा रिवाइव होने वाला लेकिन मेरे को भाई मेरा किल चाहिए तो मैं आ जाता हूँ जोन के बाहर भाई किल खा गया है कि मादर छोड़ मेरा यहाँ पे है भाई मेरा किल ले गया आराम करो हाउ मच रह गए बंदे अब 4-3 है रिंग आउट देते हूँ भाई बंदा गया फाइनली यहाँ अपना किल तो ले लेता हूँ उसके बाद यहाँ पे सिर्फ दो बंदे और बचे हुए थे जो कि आगे ही थे अरे यार के ऐसा मैच स्टिल तरह है मैं अबे हां अबे किट्टू ने भी इतने किल चुराए हैं भाई कसम से देखिए अब मैंने चुराए हैं देख ले एक बार आजा बाहर आजा एक किल भाई यहाँ लास्ट में मिलता है खैर जो भी हो अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया हो तो लाइक कर देना जो बंदे भी चैनल पे आ गए भूलते भटकते तो सब्सक्राइब भी कर लो नीचे आपको राइट में लाल बटन दिख रहा होगा बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में थैंक यू सो मच गाइस।